नमस्कार दोस्तों। तो आज हम लोग जा रहे हैं काशी हिंदू विश्वविद्यालय BHU के कॉमर्स फैकल्टी के हॉस्टल जिसका नाम है इकबाल नारायण गुरटू हॉस्टल। यहाँ पे जो जन्माष्टमी का फेस्टिवल है हर साल काफ़ी अच्छी तरीके से मनाया जाता है, तो इस बार पहली बार हमें मौका मिला है कि हम देखें कैसे यहाँ पे ये सेलिब्रेशन होता है। तो जैसे आप लोग देखते हैं काफ़ी ज़्यादा चहलकदमी है यहाँ पर, और जैसे कि ये बॉयज़ हॉस्टल है और इकलौता ये फेस्टिवल है कृष्ण जन्माष्टमी का, जिस दिन बॉयज़ हॉस्टल के अंदर फैमिली गर्ल्स बाहर के जितने भी लोग हैं कोई भी आ सकता है और कृष्ण जन्माष्टमी का जो फेस्टिवल है उसका आनंद उठा सकता है। तो हम लोग अभी अंदर आ चुके हैं, और अंदर अगर आप देखोगे तो अभी हल्की हल्की जस्ट कुछ टाइम पहले बारिश हुई है, जिसके कारण काफ़ी ज़्यादा ग्रीनरी है और जो मौसम है वो काफ़ी अच्छा बना हुआ है। इवन तो हल्की सी नमी ज़रूर है यहाँ पर मतलब, और आप लोगों को दिख ही रहा होगा किस तरीके से जो पूरा डेकोरेशन है, और काफ़ी ज़्यादा तादाद में लोग आए हुए हैं कॉमर्स फैकल्टी से भी बाहर से भी। तो आप लोगों को हम दिखाते हैं यहाँ पे कि क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या व्यवस्था है और किस तरीके से बनारस काशी विश्व हिंदू विश्वविद्यालय के अंदर जो जन्माष्टमी का उत्सव है वो मनाया जाता है। तो हम लोग अभी आ चुके हैं, एक अच्छी खासी एग्जीबिशन यहाँ पे है जहाँ पे कृष्ण भगवान का जो जीवन है उसको दिखाने की कोशिश की गई है। तो आप लोग जो भी ये कलाकृति है जो बच्चों ने बनाई है उनको आप देखिए, और यहाँ से हम प्रेरणा ले सकते हैं कृष्ण भगवान के जीवन की कि किस तरीके से, अगर हम यहाँ बताएं जो काली का नाग थे उनके ऊपर जब कृष्ण भगवान ने उनको मारा था, जब वो यमुना में उन्होंने काफ़ी जहर फैला दिया था। यहाँ पे अगर आप देखो रंगोली भी बनाई है बच्चों ने, तो बहुत अच्छा तरीके से यहाँ पे डेकोरेशन हुआ है, और ये चीज़ कहीं ना कहीं एक बचपन की याद दिला रही है। छोटे में हम लोग मिट्टियाँ वगैरह लाते थे और अच्छे तरीके से सजाते थे, तो वैसे ही बच्चों ने कुछ यहाँ पर किया हुआ है। और जो कृष्ण भगवान का जीवन है बचपन गोकुल का, तो उसकी एक छोटी सी प्रतिमा यहाँ पे यमुना नदी, गांव का वातावरण, और जैसे कि आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे वृंदावन को सजाया गया है। बहुत ही प्यारा, और सबसे अच्छी बात है जो यहाँ पे लाइटनिंग करी गई है, यमुना का जो तट जो कि वृंदावन आज भी अगर आप जाओ तो यमुना के किनारे पर ही है, और यहाँ पे जो एक कारागृह जहाँ पे कृष्ण भगवान का जन्म हुआ था उसकी एक छोटी सी झांकी, और कुछ श्लोक भी लिखे हैं जिनको आप पढ़ सकते हैं। तो बहुत अच्छी तरीके से यहाँ पे सजाया हुआ है हॉस्टल के अंदर बच्चों ने, और यहाँ पे कुछ आर्ट एग्जीबिशन भी है जिनमें जो अलग अलग प्रकार की डिफरेंट डिफरेंट आर्ट्स है बच्चों ने बनाई हैं। बहुत ही सुंदर सुंदर कृष्ण भगवान की जो आर्ट है वो यहाँ पे बनाई गई है, तो आप सब इन सब चीज़ों को एंजॉय ले सकते हैं। और अभी हम लोग आ चुके हैं फर्स्ट फ्लोर पे, और यहाँ से आप देख सकते हो कि जो पूरा का पूरा बर्ड आई व्यू है इस पूरे कृष्ण जन्माष्टमी के उत्सव का।